आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने दो इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिकेस बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमको अलाउंस मिलता कैसे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। के साइड में एक रेड बटन है। आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये 1000 रुपए का नोट है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का और इसके ऊपर ये झंडा बना गया और ये लाल रंग का झंडा बना गया। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के झंडे का रंग कब से बदल गया, हरे से लाल कब हो गया। और अगर हम अपने पाकिस्तान के नोट पे पाकिस्तान के झंडे की बेहुर्मती करते हैं तो कौन सी आइडियोलॉजी है? फिर बता दें कि हम लोग बिकाऊ हैं, हमने किसी और के कहने पे ये लाल रंग का झंडा अपना कर दिया है। कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें स्लेव उनको हेल्प मिल रही थी। भारतीय झंडे झंडा काम आया, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हम अगर अपने झंडे को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, अगर हम अपने तराने की हुरमत नहीं कर सकते, अगर हम अपने नाम की लाज नहीं रख सकते तो हमें किस मुंह से ये इख्तियार अपने आप को कहना कि हम एक सॉवरेन कंट्री, हम एक सॉवरेन नेशन है? नहीं है हम नहीं। 1000 रुपए का नोट है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का और इसके ऊपर ये झंडा बना हुआ है और ये लाल रंग का झंडा बना हुआ है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के झंडे का रंग कब से बदल गया, हरे से लाल कब हो गया। और अगर ये मिसप्रिंट होता तो कम अज कम आगे इस पे सफेद रंग तो होता जो माइनॉरिटीज का इसमें रंग है। और ये कई साल से चल रहा है ये नोट में और ये झंडा कई साल से, हर एक की तनख्वाह इससे आती है, चीफ जस्टिस की तनख्वाह इससे आती है, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह इससे आती है, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ सबकी तनख्वाह इससे आती है, चेयरमैन FBR की आती है, मेरी आती है, आपकी आती है, दीगर एंकर्स की आती है, जर्नलिस्टों की आती है, गवर्नर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की, हर अरबाब इख्तियार में जो शख्स है उसकी तनख्वाह इन नोटों से आती है, पाकिस्तान के जो नोट हैं। बैंक दौलत इस्लामिया। और अगर हम अपने पाकिस्तान के नोट पे पाकिस्तान के झंडे की बेहुर्मती करते हैं तो कौन सी आइडियोलॉजी है और कौन से हमारे आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स हैं, फ्रंटियर्स हैं जिनका हम लोग दिफा कर रहे हैं? फिर बता दें कि हम लोग बिकाऊ हैं, हमने किसी और के कहने पे ये लाल रंग का झंडा अपना कर दिया है। फिर कौम को भी वो सीक्रेट बता दें कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि मैं तो कह कह के लोगों को थक गया हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने एक दफा तो नहीं कहा, मैंने दो दफा तो नहीं कहा, कई दफा कहा है, टेलीविजन पे भी मैं कह चुका हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे कह रहा हूँ। लेकिन हर आदमी देखता है, हर आदमी को उई ये तो बड़ा क्रिमिनल बात है, ये तो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, ये तो शायद टर्की का झंडा है इसके ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रिसर्च करूं कि क्या टर्की के साथ हमारी कोई डील ऐसी हुई है कि वो अपने लीरा के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे और हम उनका झंडा लगाएंगे। तो पता चला उनके तो लीरा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं है। और ये किस तरह से हमने कर दिया, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। हम अगर कोई आम आदमी बेचारा उसके हाथ से झंडा गिर जाए, उसके हाथ से ऐसी कोई बेहुर्मती हो जाए तो उसको कैद पड़ जाएगी, उसको पता नहीं किस किस ऑर्डिनेंस के तहत अंदर कर देंगे। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान हमारी कर रही है और हर पाकिस्तानी इसका डायरेक्ट रेसिपिएंट है, यानी वो लेता ही है, ATM से निकालता है, बैंक से लेता है, देता है, खर्चा करता है इसके ऊपर। और इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा नहीं, गलत झंडा बना हुआ है। ये हमारी, हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि झंडा जो है वो किसी भी रंग का कर दो, कोई बात नहीं, नीयत तो हमारी वही है ना कि ये हरे रंग का झंडा है। हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हम अपने झंडे को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, हम अगर अपने झंडे को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, अगर हम अपने तराने की हुरमत नहीं कर सकते, अगर हम अपने नाम की लाज नहीं रख सकते तो हमें किस मुंह से ये इख्तियार अपने आप को कहना कि हम एक सॉवरेन कंट्री, हम एक सॉवरेन नेशन है? नहीं है हम, नहीं है, ये झूठ है। हम डिक्टेशन लेने वाली कंट्री है, हम डिक्टेशन लेने वाला मुल्क है और ये पता नहीं किसके डिक्टेशन पे हो रहा है।
मेरा काम था अजान देना, वो मैंने दे दी। प्राइम मिनिस्टर का काम है वो अगर चाहें तो इंसल्ट फील करते हैं तो पीक ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार कर लें। उनको वैसे भी तनकीद वाले लोग तो अच्छे लगते नहीं हैं। हमारे बाकी इदारों के लोग हैं वो कह देंगे हमारा तो काम नहीं है भैया, तो मिंट का काम है। मिंट में कौन है लगा हुआ? बर्मा का कोई आदमी आके लगा हुआ वहां पे? नाइजीरिया का कोई आदमी काम कर रहा है? नहीं। हम लोग ही हमारी अफसरान है, कोई ग्रेड 21 का ही अफसर होगा या पता नहीं, शायद ग्रेड 22 हो, मुझे तो नहीं पता, वहां से छप रहा होगा। किसी ने तो उसको डिजाइन किया, उसको इस डिजाइन के पैसे मिले होंगे, किसी ने इसको प्रिंट किया, ये स्याही को खरीदता होगा। इसमें पूरे में हरे रंग की स्याही नहीं, लाल रंग की स्याही, पता नहीं कितने लीटर आती होगी इस मुल्क में और प्रिंटिंग वो उसमें मिंट में जाती होगी, लेकिन दिल में किसी के नहीं लग रही है बात कि हम पाकिस्तान के झंडे की इस तरह से सरियम बेहरमती करें। चीफ जस्टिस, मुझे आपसे ये सवाल है कि या तो आप इसके ऊपर सुओ मोटो ले लें, बड़ी मेहरबानी है आपकी, और जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो नवाज शरीफ के टाइम पे, ये पिछले टाइम पे हो जाए, वैसे मियां नवाज शरीफ के टाइम पे हो, इसहाक डार साहब के टाइम पे हो, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हो, ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत में हो, जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, जिस जिसने इसको कंटिन्यू होने दिया, फिर सबको कटहरे में लाके खड़ा करें। बहुत तेज हो रहा है, और सबको पता चले कि पाकिस्तान के झंडे की बेहुर्मती हमें नहीं बर्दाश्त, कम से कम मुझे तो बर्दाश्त। मैंने या फिर मुझे बता दें कि मैं किसके खिलाफ रेट पिटीशन करूं, और फिर ये भी बता दीजिएगा कि रेट पिटीशन सुनी कब तक जाएगी, क्योंकि हमें भी पता है हम कर तो देते हैं। मैंने 14 साल पहले कुछ केसेस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेट पिटीशन की थी, दूसरी हियरिंग नहीं आज तक, लेकिन चले बिजी होंगे आप लोग। लेकिन ये हमारे फ्लैग का मसला, ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको एड्रेस करें, और हर आदमी अपनी जेब से हजार हजार रुपए का नोट निकाले और इस झंडे को देखे, और किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो इसको देखते हैं, और जो इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं।